हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु लाइफस्टाइल ब्लॉग। और अभी चल रही है ब्रेकफास्ट की तैयारी, तो आज मैं आप लोग के साथ मॉर्निंग टू इवनिंग तक का रूटीन शेयर करूंगी, जिसमें कि मैं क्या क्या अपने खाने में इस्तेमाल करती हूँ, क्या क्या बनाती हूँ। तो मील का पूरा रूटीन आप लोग का रहेगा आज का मेरा। तो ये देखिए, ये मैंने सबसे पहले उड़द दाल को भिगोया हुआ था रात में, और वो अच्छे से भींग चुका है। उसे मैंने मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लिया है। इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा मैं डालूँगी इसमें रेड चिल्ली पाउडर। आप चाहे तो इसमें हरा मिर्चा भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर। अभी इन चीज़ों को हमें अच्छे से फेंटना है, इतना फेंटना है कि ये पूरा फ्लफ़ी हो जाए। तो आप लोग इसका चेक कर सकते हैं थोड़ा सा पानी में डाल के। पानी में जैसे ही आप इसे डालिएगा तो ये ऊपर तैरने लगेगा। इसका मतलब ये जो बैटर है ये हमारा अच्छे से रेडी है। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से इस तरह से चलाते हुए फेंट लिया है। तो ये बैटर हमारा अच्छे से फ्लफ़ी हो गया है। अभी इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बना के इस तरह से तल लेंगे। और ये इतना सारा तैयारी हो रहा है आरव के लिए, वो अभी स्कूल जाएगा, तो उसका टिफ़िन बॉक्स रेडी कर रही हूँ। बच्चे लोग को हर दिन आप लोग अगर एक जैसा देंगे तो वो लोग भी खा खा के बोर हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा अलग अलग करके आप लोग हर दिन ट्राई करें। जो खाता है वो आप बना के दें। तो ये देखिए, ये वड़े हमारे बन के रेडी हो गए हैं। ये एक्चुअली आरव को पसंद है, तो मैं उसके पसंद का सुबह सुबह कोशिश करती हूँ बनाने का, कि वो अच्छे से खा के भी जाए और टिफ़िन में भी लेके जाए और टिफ़िन भी फिनिश करके आए। तो ये वड़े हमारे जब बन जाए उसके बाद मैं इसका टिफ़िन रेडी कर दूँगी। तो टिफ़िन में मैं डालूँगी एक बनाना, थोड़ा सा मैं डालूँगी इसमें ड्राई फ्रूट्स, और तीन से चार मैं इसमें वड़े डाल दूँगी। तो ये हमारा टिफ़िन बॉक्स रेडी है। आरव का है स्कूल जाने का टाइम हो गया है। बच्चे स्कूल चल गए हैं और अभी कर रही हूँ मैं लंच का तैयारी। तो मैं लंच में बनाऊँगी चना और काबुली चना, दोनों को ही मैंने भिगो के रख दिया था। और थोड़ा सा मैं इसमें आलू ऐड कर दूँगी, और इसे हम 4 से 5 सीटी तक इसे बॉईल कर लेंगे। तो इसे बॉईल होने के लिए रखते हैं। ये जब बॉईल हो जाएगा ना, उसके बाद इसकी ग्रेवी हम रेडी करेंगे। तो नॉर्मल इसे मैंने हल्दी नमक डाल के बॉईल किया है। अभी इसमें देखिए, तेल में मैंने डाल दिया है खड़े मसाले। थोड़ा सा मैं डालूँगी कटा हुआ प्याज। प्याज को अच्छे से हम भूनने देंगे, ज़्यादा ब्राउन हमें नहीं करना है, हल्का सा ही भूनना है। प्याज का कच्चा फ्लेवर जब चला जाए तब तक हमें इसे भूनना है। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो मैं इसी स्टेज पे डाल रही हूँ, आप लोग चाहें तो मसाला के टाइम में भी ऐड कर सकते हैं। तो इस टाइम पे डालने से इसका जो फ्लेवर है वो बना रहता है। तो ये देखिए, मैंने डाल दिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट, करीब 2 चम्मच। इसे इस तरह से मिला देंगे और थोड़ी देर और पकने देंगे। अब इसमें हम मसाला ऐड कर दिए हैं, जैसे कि जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और रेड चिल्ली पाउडर, और थोड़ा सा मैं डालूंगी और करीब 1 चम्मच इसमें हम डाल देंगे चिकन मसाला का पाउडर। इसकी जगह पे आप लोग चना मसाला का पाउडर भी डाल सकते हैं, तो मेरे पास नहीं था अवेलेबल इसलिए मैंने नहीं डाला। अब इसमें डाल दिए हैं 2 बड़े कटे हुए टमाटर। अब इन मसालों को हमें अच्छे से भूनना है। थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे और ढक के इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसका तेल छोड़ना शुरू ना हो जाए। तो इसे हम ढक देते हैं पानी डाल के। तो मसाले हमारे भुन चुके हैं। अभी इसमें हम डाल देंगे आपका चना और आलू जो बॉईल करके रखे हैं, वो ढक देंगे। और मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ किस तरह से मेरा चना मसाला बन के रेडी हुआ है, और काफ़ी अच्छा खुशबू आ रहा है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। ये देखिए, सूखी सूखी सब्जी बन के हमारी रेडी हो गई है। अभी इसके साथ हम बनाएंगे पुलाव। तो पुलाव की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी किस तरह से मैं फटाफट से पुलाव बना के रेडी करती हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं डालूँगी कढ़ाई में घी। तो करीब 1 से 2 चम्मच मैं इसमें घी डाल दूँगी। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, मैं विदाउट ड्राई फ्रूट्स से बना रही हूँ। तो ये देखिए, तेल अच्छे से गर्म हो गया है। उसके बाद इसमें खड़े मसाले जाएंगे कुछ, लौंग, इलायची, दालचीनी। ये अच्छे से जब थोड़ा सा तड़क जाए उसके बाद इसमें हम डालेंगे कटा हुआ प्याज। तो 1 बड़े कटे हुए प्याज मैंने लिया है, इसे मैं डाल दूँगी।
और एकदम हल्का सा भुनना है। इसका कलर भी नहीं चेंज होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा रॉ वाला जो इसका टेस्ट है वो चला जाए तब तक हमें इसे भुनना है। तो इस स्टेज पे आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ, मैं नॉर्मल बना रही हूँ प्लेन सादा। तो ये देखिए ये प्याज अच्छे से भुन चुका है, अभी इसमें हम चावल डालेंगे। तो चावल को मैंने अच्छे से धो लिया है, तो मैंने 2 कप डाला हुआ है, बड़े कप में चावल डाला है धो के, और इसे हमें अच्छे से भुनना है। तो मेजरमेंट थोड़ा आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि अगर आप 1 कप चावल डाल रहे हैं तो 2 कप आप लोग को पानी डालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे 2 कप चावल लिया है, चावल को मैं अच्छे से भून लूँगी। इतना भूनना है ना कि इसका पानी जो है अच्छे से सूख जाए। तो चावल जो है वो अच्छे से भुन चुके हैं, अभी इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो 2 कप मैंने चावल लिया था, तो 4 कप मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। और पानी हमें एकदम जितना आप ले रहे हैं जितना क्वांटिटी में, उसी क्वांटिटी के अनुसार आप लोग पानी लें, मतलब डबल पानी लेना है। अब देखिए इसको मैंने मिला दिया है, अभी इसमें हम डाल देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो नमक डालने के बाद इसे हम कवर कर देंगे और फुल फ्लेम में हमें पकाना है। फुल फ्लेम में हमें जब तक बॉयल ना हो तब तक पकाना है, उसके बाद सिम कर देना है। सिम करने के बाद आप एक बार ढक्कन खोल के देख सकते हैं, जैसे ही होल होल आना शुरू हो जाएगा इसका मतलब चावल हमारा बन के रेडी है और पानी भी सूख गया है। और आप लोग देख सकते हैं किस तरह से होल हुआ है, थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। तो इस तरह से जब हो जाए तब आप लोग समझिए कि चावल बन चुके हैं। तो इस तरह से होने के बाद ना मैं कवर कर दी थी कि थोड़ा सा गर्म से ही इसका पानी सूख जाए अच्छे से। और ये देखिए खिले खिले पुलाव हमारे बन के रेडी हो गए हैं। तो ये था हमारा लंच का रेसिपी आज। अब मैं बनाऊंगी रोटी, तो पुलाव चना और रोटी, तो यही चलेगा हमारा लंच। तो सारा लंच वगैरह रेडी हो गया है, अभी मैं थोड़ा सा सैलेड काट ले रही हूँ। तो खाने के टाइम में हम लोग सलाद का ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, सलाद हम लोग हर खाने के टाइम में चाहिए ही चाहिए। और लंच वगैरह हो जाने के बाद देखिए आरब भी खा लिया है, आरब का चल रहा है अभी पढ़ाई का टाइम, तो उसे मैं थोड़ा बैठा देती हूँ दोपहर या शाम के टाइम में ताकि वो पढ़ ले। तो ज़्यादा नहीं, आधा घंटा पौने घंटा अगर पढ़ ले तो भी बच्चे लोग के लिए है। मैं थोड़ा डिवाइस करा देती हूँ जो जो स्कूल में बताता है। तो अभी चल रही है पढ़ाई और अच्छे से बैठा है, क्योंकि शाम के टाइम में पढ़ाने बैठते हैं ना तो वो थक के आता है तो सो जाता है, पढ़ने नहीं खोजता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ दोपहर के टाइम में ही पढ़ाने का। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, करीब 6 बज रहे हैं और थोड़ा थोड़ा सबको भूख लगा हुआ है। तो मैं सबके लिए तरबूज निकाल रही हूँ, एकदम ठंडी ठंडी मैंने मार्केट से, दोपहर में मैंने मार्केट गई थी तो दोपहर से मैं लेके आई थी ये। तो अभी मैं इसे कट करूँगी, चलेगा तरबूज। और आरब अभी सो रहा है, एकदम घर से नाटा हुआ पड़ा हुआ है तब से वो सो रहा है 4 बजे से, ऐसे वो दोपहर में नहीं सोता है कभी, तो आज वो सो गया है, उसको उठाएंगे थोड़ी देर में। तो ये था मेरा मॉर्निंग टू इवनिंग तक का रूटीन। उम्मीद करूँगी आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक करिएगा। थैंक यू।